स्टूडेंट, आज बच्चों आपको बताना है कि मूल राशि डेफिनेशन पिछले टॉपिक में बताया गया था कि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए मूल राशि कितने प्रकार की होती है, सात प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए, नंबर एक क्या होता है, लंबाई, नंबर दो समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योतिर्विमा और सत्ता क्या होता है, क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। ये ना मूल राशियां होती हैं, इनका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, ज्योतिर्विमा का मात्रक कैल्विन और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। मीटर को एम से प्रदर्शित किया जाता है, सेकंड को टी से, किलोग्राम को कैपिटल एम से, केल्विन को थीटा से, एम्पीयर को ए से, कैंडेला को सीवी से, मोल को एम। आपको जानना पड़ेगा, याद रखना होगा कौन सी राशि का मात्रक किससे प्रदर्शित किया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो आपका ये मीटर, सेकंड और किलोग्राम तो हमेशा हर राशि में है, इसको याद करना बेहद जरूरी है कि दूरी का जो संकेत है किससे प्रदर्शित होता है एम से, और समय का संकेत जो होगा टी, और द्रव्यमान का जो संकेत होगा क्या होगा, इतना होता है। अब देखिए क्या होता है, हमें बताना है व्युत्पन्न राशि, यही ना कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। अगला टॉपिक आपका है कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ना यही राशि बतानी है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। तो होता है कौन सा राशि होती है, व्युत्पन्न राशि में क्या होता है आपका त्वरण आता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण को व्यक्त करने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है और सेकंड को भी आवश्यकता होती है, यानी ये जो राशि होती है ये कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। और मूल राशि में क्या आता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, कोई अन्य राशि जुड़ी नहीं ना, यानी क्या होता है, द्रव्यमान मूल राशि होती है और त्वरण क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। क्लियर। इसके बाद बताना है, आती है आपका तीसरी राशि, आप जानेंगे एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है क्या, स्टेरियन। ये जो होती है राशि, ये राशि पूरक राशि कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी होती है, यानी क्या होता है आपका ये दर्शाया जाएगा, ये क्या होता है, ये कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, ये होता है रेडियन, यही ना, और एक होता है घन कोण, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, यही ना, ये इतना होता है। ये जो राशियां आती हैं इसमें आती हैं पूरक राशि में आती है, कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी में आती है। आगे आपको बताना है कि बीमा क्या होता है, बीमा बतानी है तो आपको मालूम होना चाहिए ये बीमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। क्लियर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बीमा क्या होती है, मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घात को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जैसे क्या हुआ आपका ये बल हुआ ना, बल का मात्रक आप क्या लिखते हैं, न्यूटन, ये ना, ये न्यूटन होता है। और आप जानते हैं कि क्या होता है, एफ बराबर कितना होता है, एम जी होता है, एम किसका मात्रक है, एम का मात्रक कितना है, किलोग्राम इनटू जी का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना, इतना हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से ना, इनटू मीटर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड किससे प्रदर्शित होता है, टी से, इसका घात कितना है, टी स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, 1, यदि टी की पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एम की पावर 1, एल की पावर 1, और टी की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस, जो मात्रक आया बीमा आया कितनी हो जाएगी, एम एल टी पावर माइनस, ये किसकी बीमा होगी, आपकी बल की बीमा, टी होती बीमा, देखिए n की पावर यहाँ पे 1 है, n की पावर 1 है, t की पावर कितनी है, माइनस 2, यही जो मूल मात्रक की घात होती है
इसी क्या कहते हैं विमान। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए आप, जैसे निकालना है आपको इसे कार, कार की विमान निकालनी है, कार बराबर कितना होता है बल गुणे कितना होता है विस्थापन होता है यही ना, और बल बराबर कितना होता है ए किलोग्राम कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इसको कितना हो जाएगा विस्थापन, इससे प्रतिशत होता है मीटर, ठीक है ना, इसको आंसर कितना हो जाएगा किलोग्राम, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। आगे इसको हम हल करेंगे, किलोग्राम किससे प्रतिशत होता है एम से ना, एम की पावर वन, और मीटर किससे प्रतिशत होता है एल से, एल की पावर कितना हो जाएगा टू, और टी सेकंड किससे प्रतिशत होता है टी सेकंड टी पावर टू, टी को जो ऊपर ले जाते हैं क्या बचेगा एम पावर वन और एल पावर टू और टी पावर माइनस, यही क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, यही जो हो जाएगा कार की विमा होती है, यहाँ पे एम पावर वन एल पावर टू और टी की पावर माइनस टू, यही जो द्रव्यमान दूरी और समय एक हाथ होते हैं एक जगह रहती है विमा। थैंक यू।